ele il puratore magari, oh, eh. सर 333 है भाई, 4 स्टार ट्रॉली में देखो क्या कर रहा है। आगे चढ़ाई भी यार, लेकिन थोड़ी बहुत बन गई भाई धीरे धीरे। चढ़ाई तो मेन पावर लगानी पड़ा है दोस्तों। ठोकर बन गया है, अरे नहीं वह ठोकर बन गया माटी की, या ठोकर बन गया ट्रेल लिया करना ट्रैक्टर तो खींच लिया आराम से गति जमा। इतने जागा तू कोई नहीं पता हूँ भाई मैं यो जागा दोबारा फिर ट्राई करना भाई। या मट्टी हट जाए अगर ठोकर बनेगी टायर आगे उसके उस तरह पीछे बम्पर लगाया है दूसरे आइसर ने, अब तक आराम से चढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ ना ठोकर बनाई थी।
लीक पकानी पड़ी है, दिक्कत आ रही है, दिक्कत ही थोड़ी दिक्कत छोटी। आई सर 333। अब इस तरह का बड़ा डालेंगे फिर जाओ रखे, और तब तक वो एक और दूसरा आई सर चल पड़ा, उसने देख लेते हैं वो क्या करेगा। हो सकता है आई सर दूसरा उसको बम्पर लगा दे। इसके 333 आएगा, इसके बाद ये वाटर कूल्ड इंजन है सारे के सारे। पहले पता था, पीछे ले जा ले जा ले जा रहा मारा तो ले जा। ले जा और पीछे, ले जा और पीछे, क्या है और पीछे क्या है, जान दे पीछे तो वो ट्रैक्टर बम्पर लगा हुआ इसका, तब चढ़ेगा उसका दे, वो अपने आप चढ़ जाएगा लगभग, क्योंकि उसमें गुडरी कम है, इसमें टायर गुडरी ज़्यादा है उसमें कम है, इस कारण क्या होगा कि भाई मिट्टी खोद दे है। पीछे तो बहुत जोर लगा होगा, पीछे तो जोर लगा होगा, आगे तो रहेगा अर्ली हिली भी कट रही है यहाँ की। अरे दान दे तेरा चढ़ जाए वो आगे ले ले लेगा नू। खोदता नहीं, दबाता चला था मिट्टी ने। आई सर अभी 333 सुपर प्लस हाइड्रोमेटिक, देखो क्या परफॉर्मेंस रहेगी ट्रैक्टर की। वैसे तो बढ़िया रहने, ये काफ़ी एक्सपर्ट ड्राइवर है भाई, ये काफ़ी टाइम से ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहा है, तो बाकी अब जब ऊपर चढ़ाई पर वहाँ चढ़ाई पर थोड़ी ना लीक भी बिगड़ रही है, क्योंकि ट्रैक्टर की ना वहाँ पर क्या है जिसमें ट्रैक्टर में गुड रही है उस ट्रैक्टर में दिक्कत आती है, वहाँ पर चढ़ाई पर क्या है भाई गुडरी क्या करेंगी, जब ट्रैक्टर पाकर लगा है टायर घुमाएगा घुमाते गुडरी है मिट्टी में उखाड़े सबसे फेंकते हैं, और नीचे तो उसमें रेत है ना, ये ऐसा गंदा रेत है, आज ही पैदल चलेगा ना तो भी फंस जाएगा, तो मशीन की तो बात कर रहा लगन निकाल दी। और एक बंदे का अलग अलग है वो दोबारा ट्राई लेंगे। गुडरी ना टायर की जब चढ़ जाएगा, आइए ये देखो इसने वो एक काम किया, गुडरी आते वहीं गड्ढा कर दिया। अरे ये प्लेन टायर वाला ट्रैक्टर ना बिल्कुल इसके जस्ट एक पहले फंस गया, तो उसके जस्ट बाद उसने पहले तो बम्पर लगाया, उसके बाद फिर अपने आप को खुद को भी चढ़ाया बिना बम्पर के। अब तो वो मशीन आएगी बैको लोडर आएगी, बैको लोडर आके इसको धक्का लगाएगी तब जाकर काम चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा ना चढ़ाई में है दिक्कत यहाँ पर, एकदम जैसे ठोकर सी बन जाए बस, और तो कुछ नहीं, वो ठोकर वो थोड़ा सा ट्रैक्टर पर चढ़ गया और वहीं अटक गया तो अटक गया, वो मोटी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। चलो बैको लोडर आ गया,
बैकल लोडर डोर लगा दिया, पीछे से हर साथ में रस्ता ही बना जा रहा है यहाँ पर। भाई सर 333 है भाई, सुपर प्लस हाइड्रोमेटिक। अगर रैंप पर देखो, रैंप पर फंसने वाली बात आ जाए, रैंप पर चढ़ने में दिक्कत आती है ट्रैक्टर को। यहाँ तो नॉर्मल है, यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तो लीक बनी हुई है, बाकी रैंप पर ज़बरदस्त काम हो जाता ट्रैक्टर के साथ में। पहला राउंड है, पिछला ट्रैक्टर तो भाई साहब बहुत बुरा हाल होगा यार, पिछले यार बेचारा बता रहा था सुबह भी फंस गया था बेचारा, यहाँ रैंप पर तो टायर नहीं है उसके बिल्कुल एकदम। और मैं बोले यार गाँव में गया वहाँ मिट्टी डालने, वहाँ जाते पूरा ट्रैक्टर चलती गली में, बोला ठेकेदार ऐसे हैं ऐसी गली बना रखी बिल्कुल साफ सुंदर गली, उसमें ट्रैक्टर चलता था, ट्रैक्टर एकदम पूरा बैठ गया नीचे, ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों चीज। तब इसका देखो रैंप पे भाई ने तैयारी दिखा लेकर दी, ऐसी पूरी बढ़ा दी टॉर्च पावर है आप देखो। वैसे बस खड्डे मत खोद ले जा पाछे, रहने दे कोने मने बात, रहने दे भाई के लिए भी आए बनी तड़के का तीसरे बात पड़ जाओ भी, ये टायर रोला हो जाए, गियर में खड़ा करिए भाई, गियर ला दिए कदे पाछे बाज जा, या माटी तड़के भी कती सेम ही सिचुएशन हो दियो भाई के लिए भी, ये माटी डी बार बार है फिर तेरी आड़े ताला देख तो मेरी बात सुन, उड़े तो काट लिया खड्डे में पड़ेगी, खड्डे में पड़ती या माटी और उड़ेगी, तो इससे बढ़िया ना उल्टा ले जा, मजाक नहीं करता भाई, उल्टा ले जाया करती जमा, और ट्रैक्टर बम्फर लगवा लिए, बम्फर लगवा लिया आराम से, बम्फर लाग जाएगा उसका, और उसके बाद फिर बस उसके पास मशीन लाग जाएगी, अना तो मशीन लाग जाएगी दोनों पास है, फिर मशीन उसने भी चाहिएगी। तड़का भाई गले या महाभारत बनी कती नहीं वो भी उस टाइम पर रैंप में यार उसका था हाड़ा आगे बैठ रहा था हाड़े, उस टाइम पर रैंप की चढ़ाई हाड़े बने तेरे हाड़े तो बने पाए धोरे तो बने थी, पीछे ले जा रहा तो पीछे खड़ा कर दे, ले जा पीछे ले जाने पीछे ले जा आराम तक, अब भाई मशीन आएगी वो मशीन भरने लग रही है, मशीन आगे भर के तब निकालेगी इसने, इतने वेट करो, ले जा पीछे ले जा पूरा, यह समस्या अब इसने रोक के फिर मशीन आएगी, एक ट्रैक्टर होगा उन्हें भर के फिर आओगी, अरे फिर भी चलो ड्राइवर बदल के देखा मैं ट्राई लेके देखे, कोई बात नहीं कोई नहीं, जो जैसा भी है उड़ेगा ही लिया था भाई, ड्राइवर बदल के देखे हम देखेंगे, कोने जाओ है
वो दूसरा ट्रैक्टर आ गया वी आई 35 यो गाने बंद कर ले रहन दे क्यों गा रहन दे फसा ना दड़ा इतना ही का छोड़ दे थाम ले क्यों तेल फूक है मशीन ये तीनों हम कट्ठी आ जाएगी कोशिश कर रहे हैं भाई कोई ना बैठा और निकल जाए ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਵਾਂ ਮ ਇਕੱਠੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਹੋਏਗੀ ਤਿੰਨਵਾਂ ਮ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਯੋਦਰ ਹਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ दूसरा भी आ गया इतना वो भी वो उड़े रह गया वो उड़े रह लिया रो कहते वो रह लिया उड़े हाँ मिले वो पाँच नंबर देगा वो भाई लेकर चला था उसके साथ आज सुबह की महाभारत बन रही है पीछे दूसरा ट्रैक्टर ट्रॉली का कोना लगा होगा रन दे मशीन लगा ले नीचे तो टेक जाए ट्रैक्टर खावा नीचे टक्कर ना हो रहा है हाँ मशीन रेन होगी लीक बदलनी पड़ेगी मशीन कोई बात ना कोई ना हो जा रहा गलती वो भाई गया तेरे तेरे वाला काम होया था जो टायर ने स्लिप काट दो मट्टी कट्ठी हो ट्रेलिया गड़गी वो एक काम हो गया मजा आया देखो रेंट दे भाई मैं पूछते नहीं होगा रेंट काट कटाई उन्होंने मारी थी जानबूझ के चल जैसे भी पूरा दौर लगा रही हो भाई सीधा करे ट्रैक्टर सीधा कर ले रुके रुक जा ले आके ले साले साल 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 सीधा ले तो पहली फिर फंसेगी ना तो यो भाई ट्राई देखा देखा मजा आ गया चल जैसी भी पसल आई है भाई जैसी भी तो धकाया जाएगा तब झटा जाएगा वैसे तो डाय नहीं जाना था अब तक चला जाएगा फिर वैसे अर्जुन भी बड़ा ताजा रास्ता रास्ता बनाया भी इसका बम्पर लगाना पड़ेगा
आ जाओ, ये टकराओगे तो यहाँ से लीक बनेगी कुछ ना कुछ। दो तीन ट्रैक्टर आ गई है, एक आई 333 है, यो महिंद्रा अर्जुन 600 अल्ट्रा वन है, बाकी और 600-500 किलोमीटर है, 555 है, 605 है। अभी सर ट्रैक्टर स्टार्ट कर ले, एक और आ गया आई सर 585 होगा तो शायद, अभी से ना देखा है भाई ये आई सर। हाँ, किस नाम का है? वीडियो भंडार के नाम का, ये 551 आ गया, साल ले ले तेरा भी देखा है थोड़ी देर में डम डमा। ये भी है इसका नंबर आया, वो मशीन दिखा रहा है निकाला की। ये रैम बनाई, रैम खराब हो गया यार, थोड़ी दिक्कत यह आ गई वैसे। अब तक अगर चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये रैम फिर सुधर गया, हर 3-4 ट्रैक्टर ऊपर रेल उतर गया आगे मिट्टी के वैसे, अब तक चला जाएगा वो भी। घटना तो घटना कभी भी हो सकता है भाई, इनके साथ वो ही काम है बेचारों के साथ। रैंप में थोड़ी ही डाउट रहेगी यार, कुछ ना कुछ ट्रैक्टर गुडरी वाले ट्रैक्टर ना एक मिनट में उठे हैं तुरंत, वो रास्ता ख़राब हो गया है सारा, मेन दिक्कत हो जाती है यही। चलो भाई देखते हैं वो दोबारा क्या करो, होगा कपड़ा बांध के चले अब दोबारा से, अब देखते हैं। आगे ना चढ़ाई है, चढ़ाई में ज़्यादा पता लगा ट्रैक्टर का, फिर वहाँ चढ़ाई में क्या है आगे का, फिर वापस बैक लेना फिर मोड़ना है, खड़ी मोड़ाई पर तो मोड़ नहीं सकता, खड़ी मोड़ पर तो सर। हमें 333 हाइड्रोमेटिक ब्लू कलर वाला जो आ रहा है वाटर कूल इंजन में 3 सिलेंडर, अब आगे चलकर रैंप पर चढ़ाई ज़्यादा है उसको देखो क्या करेगा, यो या कपड़ा यहीं बंद देगा ये भी देखना पड़ेगा। वहाँ पर अभी तो सर नॉर्मल, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, टायर इसके नॉर्मल हैं, गुडरी वाले टायर रहे नहीं रहे, बहुत क्या कम रहे हैं, तो ट्रैक्टर आराम से चल जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल की बात है। अब धीरे धीरे लेकर जाएगा वहाँ तक, उसके बाद लेकर चढ़ाएगा। एक और आ गया दोबारा तो आ गया 333 एक और, ये नीले कलर वाला सुबह इसने ये तो चढ़ गया था बिना बम्फरे तो रैंप भी ख़राब हो रखा था, ले जाएगा तो ले जाएगा। हर आदमी का ना चलाने का स्टाइल अलग होता है, पूरा टॉर्क जनरेट कर रहा है टॉर्क ज्यादा बना रहा है।
दूसरा ट्रैक्टर है जो इस रैंप का, इस रैंप के ऊपर से आई सर 333 हवाई, यो ट्रैक्टर नहीं रुकेगा। ताल भाई ताल खींच कर ले, यो ट्रैक्टर ट्रैक्टर ही उड़ रही है, बिल्कुल लगभग प्लेन है और पूरा दौर लगा हुआ ट्रैक्टर, क्योंकि वो मिट्टी के में क्या है वहाँ रैंप नया बनाया है, ये तीसरा ट्रैक्टर चढ़ा है उस रैंप में, और सारे ट्रैक्टरों में काफ़ी दिक्कत मानी थी, इस ट्रैक्टर में दिक्कत नहीं आई बिल्कुल भी, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इसके टायर है ना बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मिट्टी दबाते हुए जाएंगे, और उससे उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि टायर पकड़ बना होगा बढ़िया वाली इस बालू रेत में, ऐसी जगह जैसे भाई आप रेती खान में जाओ ना कहीं किसी यमुना नदी या गंगा नदी में घाट पे, तो वहाँ ट्रक जो माइनिंग कर रहे हैं तो उनमें भी जैसे टायर कम हो ना जिस ट्रैक्टर में, वो ट्रैक्टर बहुत अच्छा निकलेगा अच्छे तरीके से, पावर लगा कर आराम से निकल जाएगा, और जिस टायर ट्रैक्टर के टायर नए होंगे वो ट्रैक्टर फंसेगा ही फंसेगा, तो ये इस तरीके से सिस्टम हो टायरों का भी, ये ट्रैक्टर बस जो भी है यार समझो बात में, ये प्लेन टायर ना गड्ढा नहीं खोलते, ये पकड़ बनाते चले जाए, ये पूरी मिट्टी ने पीछे धकेलना, और गुडरी वाला ट्रैक्टर क्या करेगा पूरी मिट्टी ने धके और डले डले पाड़ता चला जाएगा। यो फायदा मिला है बकेट बकेट भाई, पीछे वो हो गया था थोड़ा निकल गई थी मिट्टी, निकल गई थी डाला खुल गया था इसका, अब दोबारा बंद करके चलाया है ड्राइवर का, हवा फर्क हमें पूरी चढ़ा देगा जहाँ तक लग रहा है आराम से, जो यहाँ कैसे भी उठा खरा हुआ ड्राइवर का फर्क है भाई, सीधा सीधा चलो तो आराम से चला जाएगा। अब कपड़ा डाल दिया मैं ऊपर गली पे अब चलाएगा ये, तो कपड़े ना डालने का ना 10,000 रुपये प्लान है, इससे क्या है कि ट्रैक्टर में पीछे तो भाई थोड़ा चला चलो ब्रेन पा है तो भाई देखते हैं ट्रैक्टर में परफॉर्मेंस भाई, यहाँ पर भी लीक बिगाड़े दिए ट्रक ने, यो भाई सर 333 सुबह का भी ट्रैक्टर ना विनर है, सुबह का एक बार भी नहीं टक लिया, ये बढ़िया पावर लगा रहा है और सही चला है ट्रैक्टर एकदम, जहाँ पर ना सारे ट्रैक्टर रह जाते थे ये ट्रैक्टर नहीं रहा, एक बार तो इसने ऐसा कमाल किया था कि बम्फर भी लगाया पीछे इसने ट्रैक्टर ने, दूसरे ट्रैक्टर भी चढ़ाया फिर आप भी चढ़ गया साथ के साथ में, तो उस टाइम पर ऐसा साबित हो गया था हाँ वाकई में है जहाँ कुछ है इस ट्रैक्टर में, आई 333 ब्लू कलर शो में पुराने टाइम का ट्रैक्टर, इसका कारण भी है चलने का, जैसे टायर ना बिल्कुल कमज़ोर हैं मतलब भिजे हुए टायर हैं, और इस रेत में है ना जो टायर भिजे हुए होंगे वो ज़्यादा अच्छे चलेंगे, ये फायदा इसका इन टायरों का, पकड़ बढ़िया बनाएंगे वो,
है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, एक बार भी नहीं सकता। आई सर 333 है बस सुपर प्लस, सुबह तो इसका रिकॉर्ड खराब था, अब का पता नहीं, देखो क्या करेगा ये, चढ़ जाएगा क्या भाई, यहीं पा पीट गया यार, अरे पीछे तक आया मशीन ने थोड़ा, सुबह तो फंस गया था, अब देखो नया रैंप बनाया था इसलिए बना रखा, अब काफ़ी टक्कर तो दिल्ली एक बन गई रैंप पे, तो इस बार तो नहीं रहना चाहिए, अब मशीन है भाई, देखो फंसने में कोई भी फंस कैसा कोई नहीं, और ट्रैक्टर फंसा के कोई खुश भी नहीं है, क्योंकि फंसाने से क्या है, फंसने से टाइम भी और डीजल भी दोनों चीज़ें ख़राब होती हैं, तो उस हिसाब से इस बार तो नहीं पड़ेगी, ट्रैक्टर लेट मांग गया भाई, तो चला गया, इस बार दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर ने वेट की डिमांड कर दी कि भाई मेरे ऊपर भाई सर 333 वॉट चला गया, ये दिक्कत ना माना, ट्रैक्टर सुबह भी निकल गया था, जो अब भी निकल गया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रैक्टर भी चलाने का तरीका है थोड़ा सा बस, तो टायरों का भी फर्क है भाई, रेत में तो टायर भी बहुत काम रखते हैं, अब जैसे रैंप पर लीक भी बन गई प्रॉपरली, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लीक बनी है तो पावर लगा होगा, लोड होने के बाद है ना स्लिपेज कम हो जाती है, ट्रैक्टर अच्छी पावर नहीं जनरेट कर देगा, वैसे चढ़ागा धीरे 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 करता है, बनाई जाने बिल्कुल ऐसे चढ़ागा धीरे धीरे करके ट्रैक्टर, सर 333 सुपर प्लस हाइड्रोमेटिक, देखो वो क्या करेगा, ले जाएगा ये भी तो, जैसे रेगुलर ट्रैक्टर नहीं है वो, जैसे अल्टरनेट में कभी कभी मल्टी लेने आ गया, अपना जो पर्सनल काम के लिए काम करते हैं तो वही वो ट्रैक्टर है, पर देखो फिर भी चलाने एक्सपीरियंस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, आज ये सुबह पहली बार आया आपको ये, बन गया रैंप, पत्थर बन गया।